औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, दाढ़ी निकलती है, चलाया था लोहा गेल, बोला जल्दी कर। दाढ़ी कहती है नादान तुम मत काटो, तुम मर्द हो, तुम मत काटो, मर्द हो। वो कहता नहीं हम मर्द नहीं, मैं काटो, दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह भाई, रखोगे इंशाल्लाह, जो नहीं रखे हो रखोगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद सामईन किराम, बस पैगाम जाते ये नमाज की तरफ से एक पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और कई बच्चों के दस्तार बंदी हुए जो आपने अपनी नज़रों से देखा है इस मंज़र को। अब कुर्बान जाइए, मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों के माँ बाप को कि जिनका बेटा आज हाफिज़ कुरान हुआ है। अब कुर्बान जाइए, आज उसके बेटे के सर पर पगड़ी बांध दी गई है, हशर के मैदान में अल्लाह उसके बाप के सर पर नूरानी ताज सजाए। आज उसके बेटे के सर पर पगड़ी बांध दी गई, ये जो बच्चा है इसके सर पे पगड़ी बांध दी गई, अल्लाह हशर के मैदान में इसके बाप को ताज पहनाएगा और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। मेरे भाइयों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगे उड़ीसा के जलसे में थे, 1 लाख का मजमा था, आपने ऐलान किया था, ऐलान फरमाया था, बातों में कहा था ए उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक आलिम दीन होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला होना तो चाहिए भाई, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना। अल्लाह हाफिज कुरान तो कहेगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा, हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह जन्नत में डायरेक्ट दाखिल करे। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। देखिए हम ये नहीं कहते अब अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर किताब से पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। अभी तो आलम यह है कि लोग परेशान है अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालने के लिए। पूर्णिया किशनगंज क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए, जहां पर बच्चों को खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सिखाया जाता है, जहां बच्चों को सलाम नहीं सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिखाया जाता है। बच्चा खुश है, बच्चा हॉस्टल से आया, माँ को बोला माँ मिया गुड मॉर्निंग, मैं कुछ वाली के मुन्ना बाप दो, यहाँ तक हमारे मुन्ना अंग्रेजी बोले। अब बाप भी खुश हो गया, बाप बोला बेटा यहाँ यहाँ की बोला 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 तो बेटा बोला कि बाबा गुड आफ्टरनून, बोले बोले मेरे लाल तेरे नाम रोशन कर दियो। अरे खिलाफ नहीं, अब गौर करने का मकाम है, ये जो मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बेटा ए ए अरे वादा करो मेरी तकलीफ जब तक कोई जाएगा कहने ना, नहीं जाएगा लग लग ले एक तकलीफ कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हो, बोले हो बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, कहे परेशान हो, बैठो ना भाई, बोला बहुत जोर से लगला सर, बोले बैठो नौजवान हो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जी वो, तो मैं कहे करण जी, बोले की करल जी, वो जे करल जे जलानी है भाग ले जा, बजा मेरी जरूरत नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का शौक है, शौक से पढ़ाइए, इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है, लेकिन मेरे भाई दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को तरजीह ना देना, दीनी तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखना ये सबसे बड़ी जाहिलियत और बेवकूफी। मेरा बच्चा सब पढ़ेगा, अब डॉक्टर बनाइए ना, पहले बच्चा को कुरान पढ़ा दीजिए,
بچے کو قرآن پڑھا دیے، اتنا پڑھا دیے کہ وہ مسائل کو سمجھ سکے، جان سکے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔